हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 2 वैज्ञानिक एडिशन चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें सबसे पहले उनके अर्थ को फाइंड आउट करना है और फिर इस मुहावरे को उस वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, चलो इन मुहावरों को सोल्व करते हैं। पहला है रात दिन एक करना। रात दिन एक करने का अर्थ होता है बच्चों बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। तो प्यारे बच्चों, हम वाक्य के अंदर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, राम ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक कर दिए। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है बच्चों बहुत गुस्सा होना। तो इसका अर्थ होगा बच्चों कक्षा में बच्चों को शरारत करता देख अध्यापक आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है बच्चों चल बसना। चल बसने का अर्थ होता है बच्चों मर जाना, मर जाना। तो हम लिख सकते हैं बच्चों वैज्ञानिक एडिशन, वैज्ञानिक एडिशन 1931 में चल बसे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कमर कसना। कमर कसने का अर्थ होता है बच्चों तैयार होना। तो प्यारे बच्चों, हम वाक्य में कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, गांव में स्कूल बनाने, गांव में स्कूल बनाने के लिए सरपंच सरपंच ने कमर कस ली। तो प्यारे बच्चों, यह थे आज के मुहावरे और उनसे संबंधित उनके अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह एक्सरसाइज समझ में आई है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।